कोलकाता, यहाँ के हर घर में बसती है कला। यहाँ लोग कला को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उनके लिए ये म्यूज़ियम अल्टीमेट है, और कोलकाता में एक ऐसा म्यूज़ियम बनना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे सुंदर आर्ट म्यूज़ियम के बारे में जो इससे पहले तो कोलकाता में नहीं थी, लेकिन इसको बने हुए अभी थोड़े दिन हुआ है कोलकाता में। तो आज इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, यानी बंगाल आर्ट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा हमारा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ, दैट इज द करेंसी बिल्डिंग, एंड इसका नाम अभी चेंज करके रख दिया गया है घोरेबाई। जिस बिल्डिंग में शायद कभी गूंजती थी पैसे की गूंज, आज वहाँ कला की गूंज गूंजती है। और इस गूंज को सुनने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए आपको कोलकाता की बीबीडी बाग बोल के एक जगह है, वहाँ पे आना पड़ेगा। इसको बीबीडी बाग भी बोलते हैं, डलहौजी भी बोलते हैं, आप कहीं कोई भी नाम से यहाँ पे आ जाओ। कोलकाता को एक पुराने नज़रिए से आपको देखना है तो ये जगह बेस्ट वाला प्लेस है, दैट्स कॉल्ड बीबीडी बाग। और यहाँ पे आके आप करेंसी बिल्डिंग के नाम से इस बिल्डिंग को जान सकते हो। एंड अभी इस बिल्डिंग का नाम है घोरेबाई दे। तो चलिए देखते हैं इस पूरे म्यूज़ियम को मेरे नज़रिए से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की और वीडियोस के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अक्सर आर्ट रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। इस पूरे म्यूज़ियम में आपको बंगाल स्कूल की, मैं कहूँ बंगाल आर्ट स्टार जहाँ से हुआ था, मेदिनीपुर फोक आर्ट, जो बंगाल का ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, मेदिनीपुर पॉट है, कालीघाट पेंटिंग है, एंड ऑल्सो मेनी मोर प्लेसेस जहाँ पे फोक आर्ट एक्चुअली बंगाल का स्टार्ट हुआ था, उन सारी जगह की पेंटिंग यहाँ पे शुमार है। उसके साथ बंगाल के मॉडर्न आर्ट, शांतिनिकेतन स्कूल, एंड उसके बाद अभी जो करंट हमारे जोगेन चौधरी जी, और भी जितने भी आर्टिस्ट अभी करंटली काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, उन सब के पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस म्यूज़ियम मैं कहूँ एक शुरू से लेकर अभी तक का एक पूरा सफ़र कराएगा आपको, बंगाल स्कूल का, शांतिनिकेतन स्कूल का, हमारे बंगाल के ट्रेडिशनल फोक आर्ट का, और कंटेम्प्रेरी आर्ट का एक पूरा पैकेज है ये म्यूज़ियम। तो बेझिझक आप यहाँ आ जाओ बंगाल स्कूल को, मतलब बंगाल आर्ट को पूरी तरह से जानने के लिए। बंगाल की कला तो कई सौ सौ साल पुरानी है, लेकिन यहाँ के लैंडस्केप को बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों ने, जिनके आने के बाद यहाँ की लैंडस्केप एक अलग लेवल में पहुँच गई, क्योंकि उन्होंने प्रेरित किया यहाँ की लैंडस्केप की पेंटिंग को, और उन्होंने बहुत पसंद किया यहाँ के लैंडस्केप को, और इसी बहाने वो बहुत सारे लैंडस्केप बना के चले गए, और इसी का कुछ कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने कई आर्ट म्यूज़ियम्स में विज़िट किया इन ऑल ओवर इंडिया, कई सारे आर्ट म्यूज़ियम में मैं गया, लेकिन इस आर्ट म्यूज़ियम का जो अरेंजमेंट है वो जस्ट अल्टीमेट है, क्योंकि इस आर्ट म्यूज़ियम की लाइट अरेंजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने इससे पहले इतनी अच्छी लाइट अरेंजमेंट किसी भी आर्ट म्यूज़ियम में नहीं देखी थी, मतलब इट जस्ट नेक्स्ट लेवल। आउट ऑफ इंडिया का आर्ट म्यूज़ियम तो मैंने कभी नहीं देखा, बट इंडिया में जितने भी आर्ट म्यूज़ियम मैंने देखे हुए हैं उनमें से मेरे को लगा ये वन ऑफ द बेस्ट आर्ट म्यूज़ियम फॉर अरेंजमेंट के तौर पे मैं इसको कह सकता हूँ। तो मेरे को देख के बहुत मज़ा आया, यहाँ की फ्रेमिंग सेटअप एंड लाइट अरेंजमेंट इज ऑल इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो आप भी जब आओगे तो आप समझोगे क्या इस चीज़ में अलग है। तो मैं आपको हर बार इंक्रेज करूँगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आओ। अभी तो यहाँ पे एंट्री फ्री है, पता नहीं जब तक आप आओगे तब तक इसमें टिकट हो, अगर टिकट भी हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर है तो आप इजीली विजिट कर सकते हो। और ये बिल्डिंग मैं बता दूँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंडर में है। तो आप लाइट अरेंजमेंट देखो, मतलब इस पूरे पेंटिंग सेटअप की, तो जस्ट वाओ है वाओ, इसके बाद कुछ बोलना नहीं पड़ेगा।
ये जो म्यूजियम है ना, मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट खजाना है, खजाना है, बंगाल स्कूल का ना खजाना है। इतना सारा आर्टवर्क एक साथ पूरे बंगाल स्कूल को मतलब लाइव देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो कम इन। मतलब घोरे बायरे को देखना पूरी तरह से कंप्लीट, ये एक मैं कहूँ ना, मतलब हमारे कोलकाता में एक मॉडर्न आर्ट गैलरी की कमी थी, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी की कमी थी, उसको इस घोरे बायरे ने पूरा किया। जैसे कोलकाता में ये वन ऑफ द बेस्ट आर्ट गैलरी के तौर पे मैं कहूँगा, अगर तुमने बंगाल आर्ट को अच्छी तरीके से जानने के लिए, कोलकाता के आर्ट को अच्छी तरह से जानने के लिए ज़रूर एक बार विजिट करें। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप, मतलब मेरे वीडियोज़ मोस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स मेरे देखते हैं, तो उस मामले में, उस बात के बारे में कहूँ तो, अगर आप कभी कोलकाता आ रहे हो तो वन टाइम विजिट ऑन दैट प्लेस मस्ट प्लेस है, मतलब एक बार जरूर विजिट करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और इस परिवार का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।